आज ये प्रोटेस्ट जेएनयू के स्टूडेंट्स के ऊपर जो हमला हुआ, और ये पूरे मीडिया में, ये आप इंडियन एक्सप्रेस में देख सकते हैं। मैं न्यूज़ के थ्रू जुड़ी हूँ उधर के स्टूडेंट्स के साथ में, मैं न्यूज़ के थ्रू ये जानती हूँ कि किस तरीके से उनके साथ में अत्याचार हुआ है। वो वीडियो जब वायरल हुआ और न्यूज़ में भी क्लियरली ये चीज़ लिखी गई कि वहाँ पे पुलिस थे, योगेंद्र यादव को रोका गया, मैन हैंडल किया गया जब वो उनको बोलने लगे कि आप अंदर जाके मदद क्यों नहीं कर रहे। मतलब ये पुलिस, ये गवर्नमेंट, ये सबके सब स्टूडेंट्स को चुप कराने के लिए है। क्यों? सिर्फ बच्चे फीस हाइक के बारे में प्रोटेस्ट कर रहे थे इसीलिए कि स्टूडेंट टीचर्स लोगों ने एक प्रोटेस्ट किया, इसीलिए टीचर्स तक हाथ को नहीं छोड़ा? ये क्या चल रहा है देश में? क्यों मार रहे हैं लोगों को? अगर कोई भी उन गवर्नमेंट के खिलाफ आवाज़ उठाएगा तो आप हमें मारेंगे क्या? हम नहीं डरते किसी से, और यही चीज़ के लिए हम आज यहाँ आए हैं, उसी चीज़ का निषेध करने के लिए आए हैं, हम ये चीज़ का प्रोटेस्ट करने के लिए आए हैं और गवर्नमेंट को ये याद दिलाने के लिए आए हैं कि हम लोग एक डेमोक्रेसी का हिस्सा है, हम एक डेमोक्रेसी से बने हैं और हम इंडिया के सिटीजन्स हैं। हमसे ये राइट कोई नहीं छीन सकता। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ये राइट दिया है कि हम किसी भी जुल्म के खिलाफ, एक किसी भी इनजस्टिस के खिलाफ आवाज़ उठाए, और ये हक हमारा है। ये कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें राइट दिया है और हम इस डेमोक्रेसी से ये राइट लेके हम उसी के हिसाब से चल रहे हैं। तो प्लीज़ ये अनकॉन्स्टिट्यूशनल वेज अपनाना छोड़ दीजिए, ये गुंडा राज बंद कीजिए, अपनी ये सारी जो छोटी छोटी अपने जो संगठनाएँ छोड़ रखी है मारपीट और ये सब करने के लिए, ये सब कुछ बंद करिए, और ये सब दिखावा भी बंद कीजिए कि ये लेफ्टिस्ट का काम है और ये है वो है। ऐसा कुछ नहीं है, ये प्रूव हो चुका है। वहाँ जो नंबर्स, जो इमेजेस सामने आई व्हाट्सएप ग्रुप के, उसमें क्लियरली दिख रहा था कि एबीवीपी के मेंबर्स ने किया है। और गवर्नमेंट का तो अभी ऐसा हो गया है कि वो खुद प्रोटेस्ट करवा रही, मतलब खुद ये सब दंगे करवा रही है, और उसके बाद में पुलिस को बोल रही है, पुलिस को भेज रही है कुछ मत करो ये बोल रही है, और फिर बाद में करो और बोल रही है कि अभी निकालो इसका। अरे तुम ही भेज रहे हो और तुम ही बोल रहे हो पूछताछ करो, कैसे चलेगा ये देश में? ये सब नहीं चलेगा। ये डेमोक्रेसी है, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी ऑफ द वर्ल्ड। आई थिंक दिस इज़ टाइम इनफ फॉर द गवर्नमेंट टू अंडरस्टैंड कि वी आर नॉट गोइंग टू शट आर माउथ, वी आर नॉट गोइंग टू बेयर द इनजस्टिस हैपनिंग विथ अस। कि या सरकारचा आम्ही निषेध करतोच, केंद्र सरकारचा, सोबतच आम्ही हा जो मीडिया आहे, हा जो बायस झाला आहे, हा जो विकला गेलेला आहे, आणि एका व्यक्तीची अदानी झालेला आहे, एका व्यक्तीची मालकी झालेला आहे, त्याचा निषेध करण्यासाठी मीडिया हाऊस, जे लार्जर मीडिया हाऊस आहे, जे खोटं पसरवत आहेत, त्यांच्या विरोधात एक त्यांना घेराव घालणार आहेत। कारण जोपर्यंत मीडिया ठिकाणीवर येणार नाही, जोपर्यंत मीडिया सिटीजन जर्नलिझम करणार नाही आहे, नागरिकांसाठी नाही आहे, मीडिया हा खऱ्या अर्थाने नागरिकांसाठी असला पाहिजे, मोदी आणि शहांसाठी नसला पाहिजे, ही आमची भूमिका आहे। आणि या भूमिकेलाच धरून आम्ही मीडियाला येत्या काळात घेराव घालणार आहे। जे काही महत्त्वाचे मीडिया हाऊस आहेत, विकले गेलेले, मोदी म्हणण्यापेक्षा गोदी मीडिया जो आहे, त्याला आम्ही घेराव घालणार आहेत। हा एक पहिला भाग। दुसरा असा आहे की उद्या FTI टू पुणे असा एक लॉंग मार्च आमचा असणार आहे। जेएनयूमध्ये जो काही अत्याचार झाला विद्यार्थ्यांवरती, प्राध्यापकांवरती, त्याला घेऊन, आणि सोबतच आम्ही CAA, NPR आणि NRCचा निषेध करतो, विरोध करतो। आम्ही या देशात NPR, NRC आणि धर्मावर आधारित असलेला CAA होऊ देणार नाही। हा संघाकडून झालेला हल्ला आहे, संघिष्ट गुंडांकडून झालेला हल्ला आहे, आणि यामध्ये जेएनयूतील विद्यार्थी, एबीपीचे विद्यार्थी नसून हे बाहेरचे गुंड एबीपीच्या विद्यार्थ्यांनी बोलून या विद्यार्थ्यांवर, मुलींच्या होस्टेलवर हल्ला केलेला आहे। हा हल्ला अत्यंत लोकशाहीला घातक असा आलेला हल्ला आहे, म्हणून या हल्ल्याचं आम्ही पुण्यातील सर्व विद्यार्थी, सर्व पुरोगामी कृती समिती, फुले शाहू आंबेडकर विद्यार्थी कृती समितीमार्फत याचा निषेध करतो। आणि ज्या मीडिया, जे मीडिया हाऊसेस खोटी माहिती पुरवतात, त्यांचाही आम्ही निषेध करतो। मीडियाने सत्य दाखवो, हीच आमची मागणी आहे। IIT के 10,000 से अधिक विद्यार्थियों को शासकीय वैद्यकीय महाविद्यालयों में MBBS के लिए प्रवेश। 11वीं 12वीं नीट और एम्स की संपूर्ण तैयारी के लिए महाराष्ट्र का एकमात्र IIT नांदेड़ और लातूर। ऐतिहासिक प्रेरणादायी स्थळे पाहण्यासाठी इच्छुक आहात? हो। चला तर मग मैत्री इंटरेस्ट पॅसेज घेऊन आलेत आपल्यासाठी प्रेरणा दर्शन। ओ चला तर आपणही जाणून घेऊया इतिहास प्रेरणा दर्शन सोबत। जर आपण जागृती न्यूजला प्रथमच पाहत असाल तर जागृती न्यूजला सबस्क्राईब करा, जेणेकरून मीडियामध्ये काम करणाऱ्या लोकांना प्रोत्साहन मिळेल।